नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर वाकई बहुत खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वह जानकारी काफी अहमियत हर एक की जिंदगी में रखती है। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधे मुद्दे पे आता हूं। दरअसल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ने मीरा भाईंदर म्युनिसिपैलिटी के आयुक्त और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त दोनों के नाम पर एक समन जारी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यह समन किस सिलसिले में है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही जानने लायक चीज है। दरअसल यह समन जो है वो इसलिए है कि मुंशी वीरा भाईंदर महानगर पालिका अपना प्रॉपर्टी टैक्स, जिसे हम घरपट्टी टैक्स बोलते हैं, वो वसूलने के लिए बिल्डिंगों में जा रही है। और बिल्डिंगों में अगर जिसका किसका बिल्डिंग का सोसाइटी का घरपट्टी टैक्स नहीं भरा गया है तो उसका नल कनेक्शन काट रही है। तो इसको लेकर मीरा भाईंदर के एक एडवोकेट हैं मुकेश शर्मा, उन्होंने इस चीज को गैर कानूनी है करके चैलेंज दिया और उन्होंने ये पिटीशन फाइल की ह्यूमन राइट कमीशन में। आप सभी जानते ही है कि जिस तरह से देश में न्याय व्यवस्था है, एक न्यायालय है जहां न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसी तरह हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर वायलेंस होता है तो उसके लिए हमारे एक व्यवस्था है ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग। तो इन्होंने मानवाधिकार आयोग में पिटीशन फाइल की और उसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस कृत्य को चैलेंज किया। उसमें तुरंत ही ह्यूमन राइट कमीशन ने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद तुरंत ही एक समन जारी किया है दोनों आयुक्त को। उनको उस समन में दी गई तारीख के ऊपर वहां पर हाजिर होना है और उस पर जवाब देना है। इस मामले की पूरी जानकारी निकालने के लिए मैंने फोन पे बात की एडवोकेट शर्मा जी से, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। मेरी फोन पर बात हुई और किस तरह से उन्होंने पूरा इस मामले को फोन पे बताया है, 10 मिनट का हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जरूर लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि उसमें बहुत सी जानकारी ऐसी है जो आपको फायदा करेगी। दरअसल देखा जाता है अक्सर कि जहां टैक्स की बकाया होती है तो वसूली करने के लिए महानगर पालिका या अथॉरिटी इस तरह से कदम उठाती है, तो उनको ये उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, वो है सोसाइटी लेवल पर। सोसाइटी लेवल पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी ऑनर का या टेनेंट का मेंटेनेंस का रकम बाकी होता है तो सोसाइटी उसका नल कनेक्शन काट देती है, पानी बंद कर देती है। दरअसल वो गलत है, वैसा नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों पर मैंने एडवोकेट शर्मा जी से जो बात की है वो सुनिए आप आगे वीडियो में और अपनी जानकारी को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ अपने पर होने वाले हर तरह के लिए अत्याचार के लिए आवाज उठाइए, और कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून में बड़ी ताकत है। फिर चाहे वो सामने प्रशासन ही क्यों नहीं रहने दो, अगर प्रशासन भी गलत कर रहा है तब भी कानून में उसके लिए प्रावधान है, तो जरूर गलत के लिए आवाज उठाए। नमस्ते शर्मा जी। नमस्कार सर। सर यूसुफ अली बात कर रहा हूँ सेफ न्यूज लाइव से। हाँ सर। सर आप ऐसी जानकारी मुझे आई है कि आपने एक ह्यूमन राइट कमीशन में एक पिटीशन फाइल किया था प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए, जो महानगर पालिका आपकी उधर की महानगर पालिका जो कदम उठा रही है, लोगों का नल कनेक्शन काट रही है, उसको लेकर, तो उसमें क्या अपडेट है सर, बताएंगे? सर ये आपकी जानकारी सही है, मैंने एक कंप्लेंट फाइल की है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। यहाँ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी सोसाइटीज को बिना नोटिस दिए सोसाइटी में जा रहे हैं और उनका जो वाटर कनेक्शन है वो वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और जो मीटर है वो मीटर निकाल दे रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ सोसाइटी में अगर कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तो उसके लिए वो सारी की सारी सोसाइटी को पनिश कर रहे हैं। तो ये जो इनकी कार्रवाई है वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल है। तो इसके विरुद्ध मैंने कंप्लेंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया हुआ है।
सर ये पहले अपन बात करते हैं कि मेरा सवाल ये है कि आप एडवोकेट हो और कानून के अच्छे जानकार हो, तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये क्या कहता है? पानी किसको मिलना चाहिए, किसको पानी रोक देना चाहिए, क्या पानी वाटर सप्लाई रोकी जा सकती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर, मेरी जानकारी के अनुसार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो हर एक आदमी को जीने का अधिकार है और जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। यहाँ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए तरीके हैं जो वो अपना सकती है, जो कि लीगल तरीके हैं। वो उनको डिफॉल्टर्स को नोटिस दे सकती है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उसको ऑक्शन कर सकती है। परंतु लीगल रास्ता न अपनाते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सीधे जाकर उनका सोसाइटीज का पानी डिस्कनेक्ट कर रही है और ये सोसाइटीज को प्रेशर में डाल रही है ताकि ये जो वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं पे किया है या जो नहीं पे कर पाए वो किसी तरह से पैसे अरेंज करके बीएमसी में जाके एमबीएमसी में जाके जमा करें। सर मेरा सवाल ये था कि पानी किसको मिलना चाहिए और किसको पानी पानी पे रोका जा सभी का सकता पानी अधिकार है का। सर, पानी सभी को मिलना चाहिए। अगर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, नहीं भर पाए, तो भी उनको पानी मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स एक अलग मुद्दा होता है और जो वाटर बिल होता है वो एक अलग मुद्दा होता है। ये तो तो भी यहाँ जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर पानी काटना, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। यहाँ तो जैसे बात आ रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, लेकिन ऐसी चीजें आती है सोसाइटी लेवल पर भी। सोसाइटी लेवल पर भी क्या होता है, सपोज किसी एक टेनेंट ने अगर अपना मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे किया है, तो सोसाइटी वाले भी इसी तरह से तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं, उसका पानी बंद कर देते हैं। क्या ये जो है कृत्य वो सही है? नहीं, सोसाइटीज भी किसी का पानी बंद नहीं कर सकती है। अगर सोसाइटी को करना है तो सोसाइटी उसके लिए रिकवरी प्रोसीडिंग होती है 101 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर। वो एडप्ट कर सकती है और वो रजिस्ट्रार के थ्रू ऑर्डर ला सकती है, बट वो किसी का पानी नहीं बंद कर सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है कि कोई भी सोसाइटीज पानी बंद नहीं कर सकती है किसी का। सर आपने जो कदम उठाया, अभी अपन आते फिर आपकी कदम की बात पे, आपने ये कदम उठाया तो ऐसी क्या नौबत आई और क्या ऐसा मामला था, वहां से आपको ये इंस्पिरेशन मिला और आप ह्यूमन राइट तक पहुंचे? सर, मैंने यहाँ देखा कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी सोसाइटीज के वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में उन चीजों को वो ट्वीट कर रहे हैं और जो मीरा भाईंदर का ट्विटर अकाउंट है उस पे वो चीजें वो डाल रहे हैं। और इसके ऊपर आज तक किसी भी यहाँ के नगर सेवक ने या किसी नेता ने, किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं उठाई। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने यहाँ के जो कमिश्नर है उनको कांटेक्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने अगर ऐसा ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी दीजिए। परंतु उन्होंने ना, तो उन्होंने ना किसी अधिकारी ने मुझे ऑर्डर की कॉपी दी और ये सरेआम चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था एक्सेप्ट टू अप्रोच टू प्रॉपर अथॉरिटीज। तो मैंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच किया और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने 10 तारीख को ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च की और 10 तारीख को ही जो वहां के ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने उस पे कॉग्निजेंस लिया और सेम डे उन्होंने मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नर को समन्स इशू किया है और 15 तारीख को उनका जवाब मांगा है। सर मीरा भाईंदर बीएमसी एमबी कमिश्नर को समन, एमबीएमसी। हाँ कमिश्नर को उनको समन करना जारी करना समझ में आता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर को समन जारी किया उसके पीछे रीजन क्या है? सर, मैंने 10 तारीख को ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट देने से 3 दिन पहले 7 तारीख को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट दी थी पुलिस कमिश्नर साहब को और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको और चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये जो कृत्य इनका चालू है ये गैर कानूनी है, अनलॉफुल है और इनके ऊपर FIR लॉज होनी चाहिए। तो इस पे मेरे कंप्लेंट पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पे पुलिस को भी पार्टी बनाया गया है। तो सर इस अपनी मुलाकात अपनी बातचीत के दरमियान में आप लोगों को कुछ ऐसा आह्वान करना चाहेंगे कि उनको किस तरह से अपना टैक्सेस नहीं भरना, हम ये नहीं कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज को लेकर कोई ये मेरा खबर बनाने का मकसद ये नहीं है कि लोगों में ये चीज जाए कि हमें टैक्स नहीं भरना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको अपने जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मालूम हो, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर, इसमें मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्शन ले रहा है, आप अगर सोसाइटीज का देखेंगे तो लोगों का मोस्टली 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है
मोस्ट ऑफ द लोगों का, तो जिनका 5,000 6,000 8,000 रुपये बाकी है उसके ऊपर मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और इवन कई जगह पे ढोल बजाए जा रहे हैं उनके नाम से। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है 5-6 हजार 10 हजार रुपए के लिए, उसमें वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जहां पे करोड़ों की बात आती है, तो मैं आपको लिस्ट देता हूँ लोगों की जिनके करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो जहां पे एक गरीब आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी है जो कि कोरोना की वजह से पेमेंट नहीं कर पाया, तो उन लोगों के ऊपर सख्ती दिखा रही है मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं मीरा भाईंदर के, जिनके करोड़ों रुपए बकाया है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। और एक्शन नहीं, यहाँ पे तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिस भी इशू नहीं किया, बिना नोटिस इशू किए डायरेक्टली जाके पानी कनेक्शन काट दिया है। और सर यहाँ पे एक चीज और है इम्पोर्टेंट, कि मीरा भाईंदर ने एक अभय योजना निकाली है जिसमें कि जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है उनके इंटरेस्ट में 75% तक की उनको छूट दी गई है, और ये छूट 15 मार्च तक है। तो जब आप खुद यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि 15 मार्च तक आप बिना इंटरेस्ट के या कम इंटरेस्ट के साथ आप आपका प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए, तो उससे पहले आपके 8-10 अधिकारी बिल्डिंगों में घुस जाते हैं और जाके वाटर कनेक्शन काट रहे हैं। तो ये दो दो बातें हो गई, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप 15 तारीख तक भर दीजिए, और एक तरफ आप 15 तारीख से पहले ही जाके उनके वाटर कनेक्शन निकाल रहे हैं और आपके वेबसाइट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने ये बिल्डिंग के वाटर कनेक्शन काट दिए हैं। सर, वाटर कनेक्शन के साथ में हम पैरेलल बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की, जब चर्चा चल रही है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम एज इट इज जो है देखने में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी बहुत कम अमाउंट बाकी होता है लेकिन लोगों को मीटर तुरंत काट देता है, तो उसमें क्या प्रोविजन है? सर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक अलग चीज हो गई, ये उनके जो एक्ट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने देखा है कि जब से अडानी का या ये नया जो आए हैं तो ये काफी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। इससे पहले भी लोगों के बकाया रहते थे 2 महीने 3 महीने के 6 महीने तक हो जाते थे, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते थे जितना अभी हो रहा है। तो ये भी मेरी नजरों में तो ये गलत है, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आज पूरा पूरा देश कोरोना की वजह से जो यहाँ के लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं वो काफी पीछे हो गए हैं, उनके ऊपर महंगाई की मार और कोरोना की मार दोनों मार पड़ी है। और जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी रुकी है, उन्हें सैलरी वगैरह मिल रही है, सब चीजें मिल रही है, लेकिन जो आम आदमी है जो गरीब आदमी है वो पूरी तरह से पिछड़ चुका है इस कोरोना के कारण, और जो अभी इनके ऊपर जो सख्ती हो रही है उसके कारण। तो उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए कि वो वापस से अपनी जिंदगी को पटरी पे ला सके। आपने बहुत सही बात बोली है। ऐसे कई लोग देखे हैं जिनका परिवार उजड़ गया, और कुछ बहुत हालात ऐसे हैं कि जिसके हालात जो ही जानता है। और मेरी राय में ऐसा है कि आज के समय में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता कि मैं अपना पैसा नहीं भरूं, लेकिन शायद किसी की अपनी मजबूरी रहती होगी, इसके लिए वो पैसा नहीं भर पाते हैं। कुछ लोग अपवाद ऐसे भी होंगे जो जानबूझ कर नहीं भरना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से एक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो अभी आपने बोला दबे कुचले लोगों के ऊपर अपना हंटर चलाता है और जो बड़े बड़े माफिया है उनको संरक्षण देता है। बिल्कुल सही, ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक कीमती यू समय सर। दिया और हमारे दर्शकों को आपने इस तरह से अच्छी जानकारी दी, और आपने जो पहल की उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।